इज सुपर एडवांस्ड एक्शन कॉन्सेप्ट ओके ऐसा एक्शन कॉन्सेप्ट जिसमें हम पहले से ही जज कर सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन कहां से बाय कर सकता है या एक इंस्टीट्यूशन कहां सेल कर सकता है इसके तीन यूज़ेस है सबसे पहला आप अपने आप को इंस्टीट्यूशन स्मार्टनेस ट्रैप से बचा सकते हो दूसरा आप अपने आप को फॉल्स ब्रेकआउट से बचा सकते हो तीसरा आप वर्ल्ड की नंबर वन फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओके सो so ये जो तीन इसके यूजेस हैं ऑफ़ दिस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज्यादा डिटेल विथ लॉजिक समझने वाले कईज आप इन नट सेल समझ जाओ कि मेरा जो कंप्लीट ट्रेडिंग करियर है ये 180 डिग्री से चेंज हुआ था ये सिंगल कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्यों क्योंकि कंप्लीटली साइकोलॉजी चेंज हो गया कि एग्जैक्टली exactly मार्केट में आखिर हो क्या रहा है गईस जब आप ये कॉन्सेप्ट लॉजिक के हिसाब से समझोगे आप चार्ट्स को टोटली totally अलग तरीके से देख पाओगे आपको समझ में आ जाएगा कहां ट्रैपिंग हो रही है कहाँ किस तरीके से प्राइस मूव हो रही है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ओके सो गईज ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तीन डेफिनेशंस बताऊंगा ठीक है उसके बाद मैं आपको फोर फॉर्मेशंस बताऊंगा ठीक है उसके बाद मैं आपको दो लॉजिक्स बताऊंगा गाइस कैन यू इमेजिन इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट को भी मैं ऐसे ही नहीं बता दूंगा आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा अगर आपको इस चीज का लॉजिक समझ में आ गया बहुत टेक्निकल होने वाला है राइट अगर समझ में आ गया आज आपको नींद नहीं आने वाली आज आपको जेन्यूनली नींद नहीं आने वाली ओके गईस ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो इट मीन वन मिनट हो गया थ्री मिनट्स फाइव मिनट्स वन डे वन वीक वन मंथ वन आवर फोर आवर्स कोई भी टाइम फ्रेम हो ये आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आप किसी भी स्क्रिप्ट पे यूज कर सकते हो इट मीन इंडियन स्टॉक मार्केट कॉमोडिटी मार्केट फॉरेक्स मार्केट क्रिप्टो करेंसीज निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब इंडियन मार्केट के इंडेक्सेस और ग्लोबल के किसी भी स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक डालो इट वर्क्स एवरीवेयर ओके गईस सिर्फ एक कंडीशन है ये कंडीशन क्या है गईस अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट पे ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो सिर्फ एक कंडीशन आपको चेक करना है कि वो स्क्रिप्ट में एवरी डे अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेडिंग होना चाहिए अगर एवरी डे अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है इट मीन्स इंस्टीट्यूशंस भी वहां पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं और अगर इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे उनके ही जोन्स भी बनेंगे ओके